इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस केस में दिल्ली के मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ में कहा है कि कोरोना होने की वजह से उनकी याददाश्त पर असर पड़ा है, इसीलिए वो केस से जुड़ी कुछ बातों पर सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और तलब है कि कोर्ट में ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं। और अब बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ में कहा कोरोना की वजह से उनकी याददाश्त पर असर पड़ा। सत्येंद्र जैन साहब को कोविड जो है बड़ी सीवियर तरीके से हुआ था, यहाँ तक कि वो डेथ बेड पे थे, बड़ी मुश्किल से जो है रिवाइवल हुई है। और कोविड का आप भी जानते हैं भाई, मेरे को भी कोविड हुआ है, मेरी भी मेमोरी के लॉसेस हैं, अब मैं भी बीच बाच में नाम भूल जाता हूँ कभी कभार। मैं इस तरह की बात है कि जिन लोगों से 20 साल से मेरे संपर्क है, एकदम नाम नहीं आता दिमाग में। कुछ कोविड की इस तरह की इफेक्ट्स हैं, टाइम लगेगा ठीक होने में, तो कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है। और इनकी तो और जो ज्यादा सीरियस कंडीशन थी, ये तो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, हम तो घर पे ठीक हो गए। तो ये सत्येंद्र जैन के वकील को आप सुन रहे थे। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी लॉन्ग कोविड के असर के बारे में बात कर चुके हैं। और इस सब के बीच अब ये जो बात कही जा रही है सत्येंद्र जैन की तरफ से कि साहब उनकी याददाश्त पर असर पड़ा है कोविड की वजह से, इस वजह से वो सवालों के सही जवाब नहीं दे पा रहे, इस पर बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वो ये याददाश्त कमजोर होने वाला जो बयान सत्येंद्र जैन की तरफ से दिया गया है, इसे बयान से ज्यादा बहाना बता रहे हैं। केजरीवाल जी ने ऐसे मंत्री भी रखे हैं जिनकी याददाश्त कम होगी या चले गई, वो डिपार्टमेंट क्या चलाते होंगे। और मैं हिमाचल के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये इनके प्रभारी ऐसे लगे हैं जिनकी याददाश्त नहीं है भाई। मिलों को भी तो कल को याद रखेंगे नहीं रखेंगे कोई पता नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।